आज के वीडियो में मैंने क्रिएट किया है ये सुपर डुपर अफोर्डेबल इजी पीजी सा बिगिनर फ्रेंडली डे टाइम ग्लोई मेकअप लुक एंड गुनगुन वर्मा ने उन्होंने रिक्वेस्ट किया था एक बर्थडे पार्टी मेकअप लुक सो हियर आई एम विद द ट्यूटोरियल दिस इज परफेक्ट फॉर डे टाइम एज वेल एज नाइट टाइम बेसिकली मैंने टीनेजर्स को ध्यान में रखते हुए इसे क्रिएट किया है सो आप किसी भी वेडिंग फंक्शन में और फेस्टिवल में इसे क्रिएट कर सकते हैं और आप मेरे चैनल पे अभी पहली बार आए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो टैप द बेल आइकन नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उनकी नोटिफिकेशंस आपको प्रॉपरली मिलते रहे मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो ओके नाउ विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड ओके तो अपनी स्किन को मैंने मॉइस्चराइज कर लिया है और सनस्क्रीन भी अप्लाई कर लिया है जितना भी ओपन एरिया है मैंने सनस्क्रीन अप्लाई किया है और मॉइस्चराइजर भी नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ मार्स का प्राइमर अपने पूरे फेस पर मैं इसे अप्लाई करूंगी ताकि मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बने और एक स्मूथ कैनवस प्रोवाइड हो मेरी स्किन को स्पेशली फोकस करते हुए अपने नोज पे चीक्स एरिया पे थोड़ा सा चिन पे एंड फोरहेड पे देन मैं इसे पूरे अपनी स्किन पर इस तरह से हल्का सा प्रेस करते हुए अप्लाई करूंगी नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ NYBA की बीबी क्रीम जिसका मैंने रिसेंट में आप लोगों से रिव्यू शेयर किया हुआ है काफ़ी लाइट वेट है और शेयर कवरेज है इसका सो डे टाइम के लिए और किसी लाइट पार्टीज के लिए काफ़ी अच्छा होता है ये ऑप्शन आप इसे ट्राई कर सकते हैं जितना भी ओपन एरिया है मैं वहाँ पर इसे अप्लाई करूँगी ताकि स्किन इवन टोन दिखे ईयर सेक्शंस में भी और नेक पे भी और फिंगर टिप्स की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड करूँगी नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का पर्सनल कॉम्पैक्ट अपनी बीबी क्रीम को सेट करने के लिए सेम इसे भी मैं अपने नेक एरिया पे फेस पे एंड ईयर सेक्शन पे अप्लाई करूँगी ताकि बीबी क्रीम अच्छी तरह से सेट हो जाए बिल्कुल भी क्रीज ना करे नेक्स्ट मैं अपनी आईलिड्स को भी सेट कर लूंगी क्योंकि एज एन आई बेस मैंने बीबी क्रीम अप्लाई की थी मूविंग ऑन टू दी आई मेकअप और आई शेडोज के लिए मैं यूज कर रही हूँ SFR का आई शेडो पैलेट और ये मल्टी कलर है इस तरह से काफी ब्यूटीफुल शेड्स है इसमें और ये एक मैट आई शेडो पैलेट है तो इस जो सबसे पहला शेड मैं यूज कर रही हूँ वो इस तरह का है ब्राउनी न्यूड आप देख सकते हैं इस तरह से इस शेड की हेल्प से मैं अपनी आईलेट को सेट कर लूंगी तो जो भी आई शेडोज होंगे वो पॉप आउट होकर दिखेंगे काफी अच्छी तरह से मेरा जो बीबी क्रीम मैंने यूज किया था वो सेट भी हो जाएगा और एक न्यूड बेस प्रोवाइड होगा मेरी आईलेट को फ्लैट आई शेडो ब्रश की हेल्प से मैं अपनी पूरी आईलेट पर इसे अप्लाई करूंगी और 1/3 इनर आईलेट पर ये पाउडरी है काफी ज्यादा आई शेडो मैं यूज कर रही हूँ ये इलेक्ट्रिक ब्लू आई शेडो सेम आई शेडो पैलेट में से ये डार्क ब्लू है और इसे मैं ब्लेंड करूंगी अपनी क्रीज लाइन पर तो ये एज अ क्रीज शेड वर्क करेगा मेरे लिए और इसी से ही मैं ट्रांजिशन क्रिएट करने की कोशिश करूंगी तो इसे मैं अपने आउटर वी पर प्लेस कर रही हूँ देन क्रीज लाइन पर इसे ब्लेंड करते हुए इस तरह से एंड इस तरह से मैं प्रॉपरली ब्लेंड करूंगी ताकि एक स्मूथ ट्रांजिशन दिखाई दे यहाँ पर शेड मैं यूज कर रही हूँ इस तरह का डीप ब्लू और अज्योर ब्लू एंड इसे मैं प्लेस करूंगी एक पॉइंटेड ब्रश इस तरह से मेरे पास पेंसिल ब्रश एंड जस्ट जहाँ पर जो डीप ब्लू था इलेक्ट्रिक ब्लू शेड और न्यूड शेड मिक्स हो रहे हैं वहाँ पर मैं इसे अप्लाई करूंगी एंड ये मेरी आईज को थोड़ी सी डेप्थ भी देगा और डेफिनेशन भी इस तरह से मैंने इसे प्लेस किया हुआ है बहुत ही लाइटली देन सेम ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड करूंगी आई शेडो मैं यूज कर रही हूँ और प्लेस कर रही हूँ अपनी आईलेट पर प्लेस करने के लिए सेंटर ऑफ द आईलेट पर क्योंकि वो फेड हो गया था इंटेंसिफाइड दिखे और पॉप आउट होकर दिखे दैट्स वाई अपनी आईलेट को मेनली मैंने न्यूड रखा है सेम अज्योर ब्लू मैं स्मच करूंगी अपनी लोअर लैश लाइन पर एंड सिर्फ आउटर सेक्शन पे काजल के लिए मैं यूज कर रही हूँ NYBA का द बिग एप्पल ऑफ माई आई कोल और इसे अपने 1/3 आउटर लैश लाइन पे मैं इसे अप्लाई करूंगी जिस तरह से मैंने अज्योर ब्लू आई शेडो अप्लाई किया था स्मच किया था
आईलाइनर के लिए मैं यूज कर रही हूँ स्टेक वर्की का आईलाइनर। ये एक नेट ब्लैक आईलाइनर है और मैं एक स्लीव सा विंग लाइनर ड्रॉ करूंगी। ओके, सो आईब्रोज मैंने कर ली है एंड रेगुलर मेरा जो आईब्रो रूटीन होता है मैंने वही फॉलो किया है। इवन मैंने सेपरेट ट्यूटोरियल्स पे आपसे शेयर किए हुए हैं आईब्रो पेंसिल के थ्रू और ब्राउ पाउडर के थ्रू। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं या बिगनर हैं तो आप चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। ओके, अब आ रही है ब्लश की, तो मैं इसके लिए यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन का डायमंड ब्लश ऑन इन द शेड 06 और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा रोजी पिंकी शेड है इस तरह से। और एक ब्लश ब्रश की हेल्प से मैं इसे अप्लाई करूंगी अपने चीक्स पर बहुत ही लाइटली क्योंकि बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ हाइलाइटर और इसके लिए लिया है मैंने सिवाना कलर्स का शिमर ब्रिक, जिसका रिव्यू मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। काफी अफोर्डेबल प्राइस पे ये मिल जाता है आपको ऑनलाइन एंड मैंने इन कलर का शिमर ब्रिक का भी हाइलाइटर आप लोगों से शेयर किया हुआ है इसका रिव्यू, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। इसमें से मैं यूज कर रही हूँ ये लाइट मॉवी पिंकी शेड इस तरह से, एक फैन ब्रश की हेल्प से मैंने पिक किया है और इसे अप्लाई करूंगी अपनी चीक बोन्स पर हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ माय चीक और मैं बहुत लाइटली अप्लाई करूंगी क्योंकि इट्स डे टाइम। इनर कॉर्नर्स पर ताकि आईज थोड़ी सी ब्राइटन अप होकर दिखे। ब्राउ बोन पर ना मैं मस्कारा के लिए यूज कर रही हूँ मेबेलिन का हाइपर कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा और इसके 2 कोट्स में अप्लाई करूंगी क्योंकि मैं कोई भी फॉल्स आईलैशेस यूज नहीं कर रही हूँ। लिपस्टिक के लिए मैं यूज कर रही हूँ LA18 की कलर पॉप मैट लिपस्टिक इन द शेड W12 Mauve और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा शेड है। डे टाइम के लिए भी काफी अच्छा ऑप्शन है और नाइट टाइम के लिए भी, कॉलेज और ऑफिस के लिए भी काफी अच्छा ऑप्शन है। आप देख सकते हैं इस तरह का ये ब्राउन टोन माउ शेड है एंड इसे मैं अप्लाई करूंगी। लास्टली अपने मेकअप को मैं सेट करूंगी ताकि मेरा मेकअप होल डे स्टे करे, लॉन्ग लास्टिंग बने। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लैम 21 का मेकअप सेटिंग स्प्रे, ये भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल जाएगा अंडर ₹200 एंड इस तरह से मैं स्प्रे करूँगी अपने फेस पर और नेक एरिया पर एंड मैं इसे नेचुरली ड्राई होने दूंगी। हियर इज माय फाइनल लुक। बर्थडे पार्टी मेकअप लुक पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज हिट ऑन द लाइक बटन, कमेंट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली आल्सो। प्लीज टू सब्सक्राइब एंड आल्सो टैप द बेल आइकन नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन फॉर नोटिफिकेशन अबाउट माय अपकमिंग अपलोड्स। सो टिल माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।